नमस्कार, NIOS के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अंजलि सुहाने आज आपसे चर्चा करूंगी पर्यावरण अध्ययन की आकलन युक्तियां निष्पादन परीक्षण। यह पाठ्यक्रम 505 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का एक भाग है, एक शीर्षक है, जो कि आकलन युक्तियों का एक प्रकार है निष्पादन परीक्षण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष भर आकलन प्रक्रिया चलती रहती है और इन आकलन प्रक्रिया में हम बहुत तरह के परीक्षण प्रयोग करते हैं, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण, निष्पादन परीक्षण। उसी श्रृंखला में आज हम बात कर रहे हैं निष्पादन परीक्षण। पर्यावरण अध्ययन जो विषय है वह साइंस और सोशल साइंस का समेकित रूप है। इसमें ना तो कोई साइंस का अलग से कोई पार्ट दिया गया है ना कि सोशल साइंस का, तो इस विषय के अंतर्गत साइंस, सोशल साइंस और पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे समेकित रूप में लिए गए हैं। तो इन तीनों विषयों के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति यह विषय करता है। तो जो इनके उद्देश्य हैं उसके आधार पर इनका अधिगम होगा और उन्हीं के आधार पर इनका आकलन होगा। तो निष्पादन परीक्षण साइंस में बहुत उपयोगी होता है, EVS के अंदर एक पार्ट है और बहुत सारे मुद्दे जो साइंस से रिलेटेड हैं वो EVS के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत लिए गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि निष्पादन परीक्षण क्या है। इन परीक्षणों के द्वारा बच्चों की ज्ञान के प्रयोग, आप थोड़ा इस बात पर जोर दीजिए कि इन परीक्षणों द्वारा बच्चों की ज्ञान के प्रयोग क्षमता, कौशलों तथा कार्य कुशलता का आकलन वास्तविक परिस्थिति में करते हैं। क्या करते हैं? इन परीक्षणों द्वारा बच्चों की जो ज्ञान है, ज्ञान का प्रयोग वो कैसे कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि उसको ज्ञान तो बहुत है, पर नॉलेज तो बहुत है, पर उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाता है, उसका एप्लीकेशन नहीं है, तो उसका कार्य कुशलता नहीं है। तो नॉलेज तो हो जाता है लेकिन एक्चुअल लाइफ में क्या करना पड़ता है, उसको वास्तविक रूप से कैसे प्रयोग करें। तो इसी तरह के ये परीक्षण होते हैं निष्पादन परीक्षण। इसमें कोई बच्चे ने जो भी सीखा है, जो भी उसको पता है, उसका प्रैक्टिकल करके देखना होता है वास्तविक परिस्थितियों में वह कैसे होगा। इसमें विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से कार्य करके दिखाना होता है। मौखिक परीक्षण जो होते हैं उसमें प्रश्न उत्तर पूछ लिए जाते हैं। लिखित परीक्षण जो होंगे उसमें बच्चे प्रश्नों के उत्तर पेपर पेंसिल पर लिख देंगे। लेकिन निष्पादन परीक्षणों में क्या होगा कि बच्चे को जो भी आप क्रियाकलाप देंगे, जो भी आप एक्टिविटी देंगे, उसको वो वास्तविक परिस्थितियों में करके देखेगा और फिर आप उसका आकलन करेंगे। यह परीक्षण व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से करवाया जा सकता है। आप एक एक इंडिविजुअल को भी कोई क्रियाकलाप दे सकते हैं करने के लिए और आप इनको ग्रुप में भी दे सकते हैं। ये हुआ निष्पादन परीक्षण। देखिए, पारंपरिक परीक्षण क्या करता था कि शिक्षक होता था, वो आकलन करता है किस चीज़ का, विद्यार्थी का ज्ञान, विद्यार्थी क्या जानता है। ठीक है, जैसे आपने पूछा कि अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो पेड़ों का क्या होगा, तो विद्यार्थी को जो बुक्स में पढ़ा है उन्होंने, जो उन्होंने पता है कि अगर सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी तो पेड़ आगे उनकी वृद्धि नहीं होगी। लेकिन तो ये तो पारंपरिक परीक्षणों में हुआ कि आपने कोई प्रश्न पूछा, विद्यार्थी ने प्रश्नों के उत्तर दे दिए। लेकिन निष्पादन परीक्षण में क्या होगा, विद्यार्थी जो जानता है उसका प्रयोग कैसे करता है। हम बोलते हैं ना कि वह प्रयोग कर लेता है, वो उसका नॉलेज जो है उसका प्रैक्टिकल भी उतना ही अच्छा है। तो शिक्षक, आकलन, विद्यार्थी के ज्ञान का प्रयोग। क्या आकलन करना है शिक्षक को, विद्यार्थी के ज्ञान का प्रयोग, जो भी विद्यार्थी जानता है उसका वह वास्तविक परिस्थितियों में कैसे प्रयोग कर पा रहा है। अब निष्पादन परीक्षण का अभिकल्पन, आप जब भी निष्पादन परीक्षण बनाएं, करें और उसका आकलन करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, अभिकल्पन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहली बात है उद्देश्य क्या है और क्या आकलन की कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षक को यह ध्यान रखना है कि उसका उद्देश्य क्या है। कोई भी आप परीक्षण करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं और क्या आकलन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लीजिए आपका उद्देश्य है कि
आप जानना चाहते हैं कि विद्यार्थियों को पौधे की वृद्धि के बारे में क्या क्या पता है और पौधे की वृद्धि किन किन कारणों से प्रभावित होती है या किन किन वजहों से पौधे की वृद्धि रुक सकती है। तो अब आपका उद्देश्य यह है कि आप ये वास्तविक परिस्थितियों में यह देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या कार्य करवाना होगा। ठीक है, उद्देश्य यह है। अब इसके लिए आपको वास्तविक रूप से क्या कार्य करवाना होगा, उनको कोई एक्टिविटी देनी होगी, कोई क्रियाकलाप देना होगा कि पौधों की वृद्धि पर सूर्य की रोशनी और नमी के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। अब ये क्रियाकलाप आपने दे दिया, इस कार्य की आवश्यकता के लिए किन किन कौशलों की आवश्यकता है। अब ये क्रियाकलाप है, अब उस क्रियाकलाप के लिए वह क्या क्या उसको स्किल्स आने चाहिए, उसको अगर मेजरमेंट आना चाहिए, अवलोकन आना चाहिए, वह चीज़ों को क्या करेगा, फिर उसकी एक रिपोर्टिंग करेगा। अगर वह उसको फिगर बना रहा है तो उसको चित्र बनाना आना चाहिए, तो उसको किन किन कौशलों की आवश्यकता है। छात्रों के प्रदर्शन का स्तर क्या होना चाहिए, एक ही असाइनमेंट, एक ही क्रियाकलाप अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे करते हैं। अब प्राथमिक स्तर के बच्चे कर रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं उनके प्रदर्शन का स्तर क्या होगा, किस तरह का आपने उनसे उद्देश्य रखा है। कि आप कोई उस स्तर के बच्चों से आप कोई बहुत हाई फाई या बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रख सकते कि वो बहुत कोई बड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके बताएं, कि उनको हम सोचें कि उनको ब्यूरेट पिपेट देंगे, वर्नियर कैलिपर्स देंगे, तो यहाँ इस तरह के प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। यहाँ पे ईवीएस से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होंगे। और अवलोकन के लिए मानदंड क्या होंगे, अभी तक तो ये सारा काम विद्यार्थी कर रहे थे, ठीक है, अब आपको करना है, वो तो कोई क्रियाकलाप करेंगे, अब आपको क्या करना है, उसका अवलोकन करना है। कि तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि अवलोकन के लिए क्या मानदंड हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप बच्चों को दिए जिनका निष्पादन परीक्षण आपको करना है, जैसे केंचुए की गति पर तापमान का प्रभाव। आपने बच्चों को बोला कि जो केंचुए की गतिविधि है उस पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों को बोल दिया कि आपको एक एक्टिविटी करनी है कि ये दिखाना है कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं उसमें केंचुए की गतिविधि कैसी होती है। आपने क्या किया, क्लास में चार चार बच्चों के ग्रुप बना दिया, केंचुए आप खुद एज अ टीचर आप प्रोवाइड करा देंगे, वो मिट्टी एक बॉक्स में लेके आएंगे, उनके अंदर केंचुए डाल दिए जाएंगे, फिर उसके ऊपर अलग अलग तरह से विधियों से उस मिट्टी का तापमान को बढ़ाया जाएगा, उसके हिसाब से वो केंचुए किस तरह से मूव कर रहे हैं उनकी गतिविधियों को वो नोट करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे और उस टेबल को कंपाइल करेंगे और फिर उसका रिजल्ट देखेंगे। ये तो विद्यार्थी करेंगे, फिर आप उसका आकलन करेंगे कि विद्यार्थी ने इसको किस तरह से किया। दूसरी एक्टिविटी हो सकती है जैसे विभिन्न प्रकार के बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया का अध्ययन। इसके लिए आप क्या करेंगे कि एज अ टीचर आप उनको बोलेंगे कि अलग अलग तरह के बीज वो लेके आएंगे अपने घरों से, कौन से बीज, गेहूँ हो सकता है, चना हो सकता है, राजमा हो सकता है, जो भी बीज वो लेके आते हैं, लोबिया हो सकता है, ये उनको अलग अलग गमलों में डाला और फिर उनको रोज़ आप पानी देंगे, वो कौन सा बीज सबसे पहले अंकुरित हुआ, क्योंकि एक तो डालेंगे नहीं, मटर के 10 बीज होंगे, राजमा के होंगे, गेहूँ के होंगे, तो इनका किसका अंकुरण पहले हुआ, फिर उन अंकुरण में कौन सा पेड़ किस की स्पीड कैसी है, कैसे बढ़ रहा है ना। मान लीजिए उन्होंने 5 तारीख को बीज डाला, 10 तारीख को उनमें अंकुरण आए, 11 तारीख को उसकी लंबाई में क्या अंतर हुआ, 12 को क्या हुआ, तो उसका अध्ययन करना, उसकी तालिका बनाना और उसके बाद उसको प्रस्तुत करना। फफूंद की वृद्धि पर आर्द्रता के प्रभाव का अध्ययन। विद्यार्थी से आप बोलेंगे कि आप 4 ब्रेड ले लीजिए, 1 ब्रेड पर थोड़ा धूप में रख दीजिए उसको, तो वो थोड़ा सूख जाएगी उसका पानी, दूसरा में नॉर्मल ब्रेड रहेगी, तीसरे पर आप थोड़ा पानी डाल दीजिए, चौथी ब्रेड को एकदम पानी से भिगा दीजिए। ये अलग अलग ब्रेड है और उन पर अब आप देखिए कि पहले दिन क्या होता है चारों ब्रेड पर, और दूसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, चौथे दिन क्या होता है, और उनकी तालिका बनाने को बोलिए कि उसकी टेबल बनाएंगे और उसके बाद देखेंगे कि उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है और उसका एक छोटा सा रिपोर्ट बना के प्रेजेंट करेंगे। चौथा यहाँ पर मैंने दिया है पौधों की वृद्धि पर सूर्य की रोशनी तथा पानी और नमी के प्रभाव का अध्ययन। यहाँ पे भी छोटे छोटे से प्लांट्स विद्यार्थियों को दे दिए जाएंगे, एक को प्लांट को सूर्य की रोशनी में रखा, दूसरे को नहीं रखा, एक को पानी दिया, दूसरे को नहीं दिया, तो उस सभी का अध्ययन विद्यार्थियों को करना है। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जो कि वास्तविक परिस्थितियों में करना है विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, क्योंकि नॉलेज तो विद्यार्थियों को है,
अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो प्रश्नों के उत्तर लिख दें, लेकिन वास्तविक परिस्थितियों में वो किस प्रकार से इनको कर रहे हैं, क्योंकि जब वो ये सब काम कर रहे होते हैं तो पर्यावरण अध्ययन के आकलन के कुछ संकेतक हैं, कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि विद्यार्थियों में अवलोकन की क्षमता डेवलप करना, रिपोर्टिंग की क्षमता डेवलप करना, चर्चा करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, प्रयोग करना, दूसरों के साथ सहभागिता रखना, मापन करना, ये सब पर्यावरण अध्ययन के आकलन के संकेतक हैं। जब आप विद्यार्थियों का आकलन कर रहे हैं तो आप इन 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 बिंदुओं पर आकलन करेंगे। तो जब हम इस तरह के निष्पादन क्रियाएं कराते हैं और उनका जब परीक्षण करते हैं तो ये सारे जो बिंदु हैं, क्योंकि विद्यार्थी क्या करेगा जब वो कैचुए की गतिविधि को ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो वो क्या करेगा, अवलोकन करेगा उनका, उसके बाद अवलोकन करके उसको तालिका में लिखेगा, ठीक है, फिर उसकी रिपोर्टिंग करेगा, फिर उसको बोला जाएगा कि थोड़ा उसको चित्र बना के बताओ, तो वो अभिव्यक्त करेगा उसको। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के बीजों के जो अंकुरण की प्रक्रिया है उसके लिए भी उनका फिगर बनाएगा, उनके बीज कैसे निकल रहे हैं। फिर आपने कहा कि अगर चने का जो बीज निकला उसका पौधे का चित्र बनाइए, तो इस तरह से वह जो भी पर्यावरण अध्ययन के जो आकलन के संकेतक हैं उन सभी संकेतकों का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। विद्यार्थी समूह में काम कर रहे हैं तो उनको सहभागिता आएगी, सहभागिता के साथ साथ वो अपने आप को भी अलग से प्रस्तुत कर सकते हैं कि वो कुछ अलग करना चाहते हैं, वो भी दिखा पाएंगे। और उनके साथ दूसरों के साथ काम करना, उनके विचारों को सुनना समझना, वो सब ग्रुप में काम करेंगे और रियल लाइफ में वास्तविक परिस्थितियों में काम करेंगे, तो वह पर्यावरण अध्ययन के आकलन के जो संकेतक हैं उनको हम उस एक निश्चित सीमा तक प्राप्त कर सकेंगे, और इसके साथ साथ उनका अधिगम भी साथ साथ चलता जाएगा। अब इसके आकलन के जो है निष्पादन के लिए, उसके लिए मानदंड आप निर्धारित कर लें। जैसे कि आपने कोई भी उनको क्रियाकलाप दिया है तो ये देखना जरूरी है कि वो निर्देशों का पालन कर रहा है या कर रही है, जो सामग्री या उपकरण दिए गए हैं उनका प्रयोग कर रहा है या कर रही है। जैसे कि मान लीजिए आपने उनको बोला है कि पेड़ की वृद्धि नापना है, तो वो स्केल से नापेंगे, किस तरह से नाप रहे हैं। निश्चित समय अवधि में कार्य, कोई भी जो कार्य है वो एक निश्चित समय में देते हैं कि आपको ये क्रियाकलाप है, मान लीजिए आपको अंकुरण की प्रक्रिया देखनी है तो आपने उसके लिए 10 दिन का समय दिया, तो वो उसमें कर रहे हैं। आंकड़ों का संग्रहण, ठीक है, जो भी डाटा इकट्ठा किया है वो आंकड़े वो किस तरह से संग्रहित करते हैं, और जब आंकड़े संग्रहित कर लेते हैं तो आंकड़ों का अभिलेखन कैसे करते हैं, उसके बाद उनको रिपोर्टिंग भी करना है, तो वो अभिलेखन किस तरह से कर रहे हैं, उसके बाद चित्र बनाना। तो इस तरह से निष्पादन परीक्षणों जो है उनका आकलन के लिए आप क्या करेंगे, ये मानदंड निर्धारित कर लेंगे, और इन मानदंड को निर्धारित करने के बाद आप रेटिंग स्केल बना लीजिए, अवलोकन सूची बना लीजिए या रूब्रिक्स बना लीजिए। जब ये वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करते हैं तो वो चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से उनका मापन करते हैं। तो ये सब काम जब वो कर रहे होते हैं तो हमें उनको ऑब्जर्व करना है, तो यहाँ पर अवलोकनकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है निष्पादन परीक्षण के आकलन में। अब इसके लाभ क्या हैं? अधिगम के लिए मूल्यांकन में मदद, जब वह कोई एक्टिविटी 10 दिन तक कर रहा है तो उसके साथ साथ उसका अधिगम भी हो रहा है, तो अधिगम के लिए मूल्यांकन में मदद। तो जो अधिगम का मूल्यांकन ना होके ये जो मूल्यांकन है वो अधिगम में मदद कर रहा है, ठीक है, वो उस क्रियाकलाप के द्वारा ना जाने कितनी चीजें सीखेंगे, ना जाने कौन कौन से कौशल उनके अंदर आ जाएंगे, तो ये हमें किस में मदद करेगा, अधिगम के लिए। दूसरा है ज्ञान के प्रयोग का विभिन्न परिस्थितियों में आकलन, जब आकलन कर रहे हैं ज्ञान तो उनको है, उनको पता है कि पौधे को बढ़ने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, नमी चाहिए, लेकिन वो है उसका प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में कैसे करते हैं, यह परफॉर्मेंस परीक्षणों में पता चलता है। व्यक्तित्व के सभी आयामों के आकलन का अवसर, व्यक्तित्व के सभी आयाम, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। देखिए जब आप लिखित परीक्षण कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर जो होता है वो ज्ञानात्मक बातें जो हैं वो
आ जाती हैं कि नॉलेज बेस्ड क्या है उसका, कितना उनको कॉम्प्रिहेंशन कर पाते हैं, कितना एनालिसिस कर पाते हैं, लेकिन वह भावात्मक जो भाग है वो छूट जाता है। और जब आप मौखिक परीक्षण कर रहे होते हैं तो थोड़ा ज्ञान और थोड़े कौशल का आकलन कर रहे होते हैं, लेकिन जो क्रियात्मक पक्ष है यहाँ तो बच्चे करके देख रहे हैं ना, तो ऐसा परीक्षण कितना अच्छा परीक्षण होगा हमें सोचने की ज़रूरत है। और हम सोच सकते हैं कि जिसमें व्यक्तित्व के सभी आयाम, मतलब छात्र की सभी प्रतिभाओं निखर के आ जाएं, ऐसा ये आकलन है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों के आकलन के अवसर मिलते हैं। जीवन कौशल के आकलन में मदद, जो लाइफ स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स हैं सहभागिता, आप दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, दूसरों के जो व्यूज़ हैं उनका किस तरह से लेते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं, ये सब के आकलन में भी मदद मिलती है। प्रक्रिया के साथ साथ निष्पादन का मूल्यांकन, जो प्रक्रिया है उसके साथ साथ हम निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। स्वयं के मूल्यांकन का अवसर, जब भी निष्पादन परीक्षण करें विद्यार्थी को अवश्य बता दें कि आपका मूल्यांकन के क्राइटेरिया ये होंगे, जो अभी हमने क्राइटेरिया पहले लिखे थे कि जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप दिए थे, उसके बाद हमने उसके बहुत सारे क्राइटेरिया बताए थे कि आप अवलोकन कैसे करते हैं, मापन कैसे करते हैं, आपकी सहभागिता कैसी है, आप आंकड़ों का संग्रहण कैसे करते हैं, अभिलेखन कैसे करते हैं। तो जब विद्यार्थी को एक आप खुद के मूल्यांकन के लिए एक उनको सीट बना के दे दीजिए, एक अवलोकन सूची बना के दे दीजिए, तो विद्यार्थी अपना स्वयं का मूल्यांकन करता जाएगा और उस मूल्यांकन में उसको सीखने में भी मदद मिलेगी। जब अपना मूल्यांकन कर रहा होगा तो उसको लगेगा, जब उसको ये पॉइंट लिखे होंगे सहभागिता, अरे मैं तो दूसरों के साथ सहयोग नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए, तो वो सहभागिता भी करेगा। मुझे आंकड़ों का संग्रहण भी करना है, मुझे मेजरमेंट भी लेना है, तो उस तरह से हुआ उसको स्वयं के मूल्यांकन का अवसर मिलता है और स्वयं के सुधार का भी अवसर मिलता है, साथियों के मूल्यांकन का भी अवसर। वही सीट आप उनके साथियों के लिए दे दीजिए, क्योंकि जो पीयर इवैल्यूएशन है वो भी बहुत अच्छी बात होती है और विद्यार्थी विद्यार्थियों का आकलन करते समय सीखते हैं और दूसरे बच्चे भी उनके आकलन से फ़ायदा उठाते हैं। फिर शिक्षक और छात्र के बीच संप्रेषण के अधिक अवसर, जब हम इस तरह के क्रियाकलाप करा रहे होते हैं तो शिक्षक और छात्र दोनों को क्या होता है कि वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि शिक्षक उनको कुछ निर्देश देता है, कुछ उसका वो पालन करते हैं, फिर बीच बीच में जब छात्र को कोई परेशानी आती है तो वह उनसे पूछता है, तो प्रॉपर कम्युनिकेशन होता रहता है और सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से करेंगे ना कि उनको करना क्या है। हो सकता है कि आपने उनको केचुए वाली एक्टिविटी, जो केचुए की गतिविधि पर तापमान का प्रभाव वो दिया है, तो हो सकता है बच्चे कुछ बॉक्स अपना कुछ डिफरेंट सा बना के लाए, ट्रांसपेरेंट बॉक्स हो, उसके ऊपर हो सकता है वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन का यूज़ करें, तो वो उनकी क्रिएटिविटी है जो वो उस समय दिखाई देगी। फिर जब वो प्रेजेंटेशन करेंगे उस समय भी उनका क्रिएटिविटी दिखाई देगी, वो किस तरह से फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे उनके फिगर बना रहे हैं, ये सब इसके अंदर आएगा। अब इसमें कुछ सीमाएं हैं, तो सीमाएं क्या है, पहली वह अच्छी तरह से योजना बनाने की आवश्यकता। जब भी इस तरह के परीक्षण करने होते हैं तो एक प्लान्ड वे में हम कर सकते हैं, अदरवाइज तो ये आकलन ऐसा नहीं है ना कि पेपर पेंसिल परीक्षण है, आपने दिया सभी बच्चों ने किया और इजीली हो गया, तो इसमें एक बहुत अच्छा प्लान बनाने की जरूरत है। योजना बनाने और प्रबंधन में अधिक समय लगता है, ये इसका एक बड़ा एस्पेक्ट है कि जब भी कोई निष्पादन परीक्षण होते हैं तो उसको बनाने में और उसका प्रबंधन करने में समय की बहुत अधिकता लगती है, क्योंकि ये एक्टिविटी कोई ऐसी एक्टिविटी तो होती नहीं है सारी कि जो एक दिन में हो जाए, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हो सकती हैं जिनमें 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, उनके लिए बहुत सारा मटेरियल की आवश्यकता होगी, बहुत सारा उनको गाइडेंस देना होगा, और उनको अगर वो कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ पेड़ हैं जिनको स्कूल में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उनको एक स्पेस देना पड़ेगा कि वहाँ पर वह इस क्रियाकलाप को करें। सभी अलग अलग ग्रुप्स, आपने मान लीजिए क्लास में 10 ग्रुप बनाए हैं 5-5 बच्चों के, तो 10 बच्चों के लिए आपको अलग अलग प्रबंधन करना पड़ेगा, उनके लिए सामान प्रोवाइड कराना होगा, सो ये एक इशू आता है इसके समय। फिर अवलोकन का प्रबंधन और अभिलेखन में पारंगतता की आवश्यकता, ये शिक्षकों के लिए है, अवलोकन का प्रबंधन और अभिलेखन में पारंगतता की आवश्यकता। आप विद्यार्थियों की एक्टिविटी को, उनके क्रियाकलापों को 10 दिन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से टैबलेट करेंगे, किस तरह से उनको नोट डाउन करेंगे, तो उसमें आपकी पारंगतता होना बहुत आवश्यक है। अगर आप में पारंगतता नहीं होगी तो
तो फिर आप क्या करेंगे कि आप आधी चीज़ों को मिस कर जाएंगे, और अगर कुछ चीज़ों को आप मिस कर दिए तो फिर विद्यार्थी का जो आकलन होगा वो वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। तो इसमें ट्रेंड ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है, जो शिक्षक हों वो ट्रेंड हों ऑब्जर्वेशन में कि उनको कितनी बारीकी से करना है, और इतना विद्यार्थी के सर पर खड़े होकर ना करें कि विद्यार्थी अपना काम ही ना कर पाए, तो थोड़ा दूरी बनाते हुए ताकि विद्यार्थी अपना काम फ्री होके करे। तो इस तरह से बहुत सारे इशूज होते हैं जो अवलोकन में आते हैं, और शिक्षक को चाहिए कि वह अवलोकन बहुत बारीकी से कैसे करे, और एक-एक जो भी बातें उनने विद्यार्थी के बारे में नोट डाउन की हैं जब उसकी रिपोर्टिंग करे, जब उनका रिपोर्ट कार्ड दे, तो उस समय उनको लिखे कि जैसे कि मान लीजिए विद्यार्थी बहुत ग्रुप को लीड करता है, तो उस समय जब एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि फला फला या मनोज में लीडरशिप क्वालिटी है, और दूसरा विद्यार्थी है वह है कोई भी काम में अधिक इंटरेस्ट नहीं लेता है, पूछने पे ही जवाब देता है। तो इस तरह की बातें वहाँ पर आपको देनी होंगी। फिर है आकलन में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी। जो भी इस तरह के परीक्षण होते हैं जिसमें मूल्यांकनकर्ता जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो वहाँ फिर वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी हो जाती है। क्योंकि अभी मैं पहले भी इसी बात पे बहुत जोर दे रही थी कि जो भी निष्पादन परीक्षण हैं वो डिपेंड करते हैं अवलोकन के ऊपर, जो अवलोकन मूल्यांकन करता है उसके अवलोकन के ऊपर, और जब सारा डिपेंडेंसी उसके अवलोकन के ऊपर है तो फिर वस्तुनिष्ठता में तो कमी आ सकती है, क्योंकि उसको वह किस तरह से ले रहा है और जो मूल्यांकन करता है उसके दिमाग में क्या है और विद्यार्थी क्या कर रहे हैं। तो हो सकता है एक शिक्षक के लिए वह बातें सही हो और दूसरे शिक्षक के लिए वो बातें सही ना हो। एक शिक्षक को लगता है कि जब विद्यार्थी ग्रुप में काम कर रहे हो तो बहुत बात कर रहे हैं, बात करेंगे तो थोड़ा सा अनुशासन थोड़ा उनमें कम हो जाएगा, थोड़ा बीच में बच्चे हैं थोड़ा मस्ती भी करेंगे, तो एक शिक्षक के लिए ठीक होगा, वह इस पर कुछ रिएक्शन शो नहीं करेगा, दूसरा हो सकता है इसमें उनके कुछ नंबर कम कर ले। तो ये आकलन में वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की कमी देखी जाती है। अब दो तरह के हमने डिस्कस किया कि निष्पादन परीक्षण जो हैं वो दो तरह से हो सकते हैं, या तो आप उनको व्यक्तिगत क्रियाकलाप के लिए बोल दें या फिर वह ग्रुप में करें। तो चाहे आप व्यक्तिगत करें या ग्रुप में करें, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके मानदंड निर्धारित करने होंगे। तो व्यक्तिगत क्रियाकलाप के लिए जो पहला मानदंड है कि निर्देशों का पालन करता है या नहीं करता है, तो यहाँ पर मैंने निर्धारण मापनी उसके लिए बनाई है और तीन कैटेगरी की है कि हमेशा, कभी कभी और कभी नहीं। तो पहला जो है निर्देशों का पालन करता है कभी कभी, अगर वो हमेशा तो उसके लिए 2 नंबर, कभी कभी करता है तो 1, और कभी नहीं तो 0। दूसरा है सहायता के लिए प्रश्न पूछता है। अब ये क्रियाकलाप कर रहा है, जब भी उसको आवश्यक है तो वह प्रश्न पूछता है या नहीं पूछता है या कभी कभी पूछता है। सामान्य उपकरण और सामग्री का प्रयोग करता है, जो भी उपकरण हमने दिए हैं उसका प्रयोग करता है, कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, दिए गए कार्य को समय से पूर्ण करता है, जो भी काम उनको दिए गए हैं वह समय से पूर्ण कर रहा है। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि 5 दिन का काम 10 दिन में कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि समय सीमा एक निर्धारित होती है, अदरवाइज वो काम फिर पीछे होते जाते हैं, और एक एक्टिविटी पीछे होती है तो बाकी भी पीछे होती जाती हैं। फिर आंकड़ों का संग्रहण और अभिलेखन करता है, कोई भी आंकड़े जो हैं उनको किस तरह से संग्रहित करता है। विषय वस्तु की समझ रखता है या नहीं, क्योंकि देखिए हमने ये बोला है पहले भी कि निष्पादन परीक्षण जो है वो ज्ञान का प्रयोग है, तो ज्ञान तो होना चाहिए, उनको बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, उसका प्रयोग वो किस में करेंगे, निष्पादन परीक्षण में। तो ये विभिन्न क्राइटेरिया हैं जिसके आधार पर निर्धारण मापनी बनाई गई है, ये व्यक्तिगत क्रियाकलापों के लिए है। अभी सामूहिक क्रियाकलाप के लिए आपने मान लीजिए किसी ग्रुप में उनको दिया, तो अभी हमने एक उदाहरण, ये डिफरेंट उदाहरण हो जाएगा, उसमें हमने क्या किया है, रेटिंग स्केल, यहाँ पर हम अवलोकन सूची, उसमें तीन कैटेगरी डिवाइड कर दी कि वो हमेशा करता है, कभी कभी करता है, कभी नहीं करता है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि सामूहिक क्रियाकलाप के लिए एक अवलोकन सूची बनाई है जिसमें 5 बच्चे एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो टीम के साथ सहयोग करता है या नहीं करता है, तो उसमें 5 में से आप नंबर देंगे। वैज्ञानिक सोच प्रदर्शित करता है, वैज्ञानिक सोच प्रदर्शित करना क्या होता है, उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड है या नहीं, साइंटिफिक एटीट्यूड मीन्स कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत अंधविश्वास को मान रहा है, दूसरे के विचारों को अहमियत दे रहा है,
या नहीं दे रहा है, उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं या नहीं, तो ये सभी कुछ आ जाते हैं वैज्ञानिक सोच के अंतर्गत। धनात्मक अभिवृत्ति रखता है या कितनी रखता है उसके हिसाब से आप 5 में से नंबर देंगे। कोई बहुत ज़्यादा रखता है तो उसको 4 नंबर दे देंगे, कोई बिल्कुल नहीं रखता है तो उसको 0 नंबर दे देंगे। समूह में दिए गए कार्यों को पूर्ण करता है, जो भी कार्य दिया जाता है उसमें सहभागिता रखता है। और लास्ट, छात्र स्वयं के कार्य को अलग से प्रदर्शित करता है, जो भी उसने कार्य किया है उसको प्रदर्शित करता है या नहीं करता है। तो इसके हिसाब से आप उनको 5 में से अंक देते जाएंगे, तो टोटल 5 है, टोटल 25 मार्क्स हो जाएंगे, और 25 मार्क्स में से आप उनको मार्क्स दे देंगे। तो ये आकलन कैसा हो जाएगा कि एक उसको कह सकते हो ना, वस्तुनिष्ठता आ सकती है। इस तरह से आप क्या करेंगे कि कोई भी निष्पादन परीक्षणों का आकलन होगा उसके लिए क्राइटेरिया डिसाइड करके उसके लिए आप अवलोकन सूची बना लीजिए, रेटिंग स्केल बना लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि जो मुख्य बात है कि निष्पादन परीक्षण में पहले बच्चे को विषय वस्तु का ज्ञान हो और उस ज्ञान के प्रयोग का आप उनको मौका दें, और जब वह एक्टिविटी कर रहे हों, क्रियाकलाप कर रहे हों, तो उस समय आप एक निष्पक्ष अवलोकनकर्ता की भूमिका में रहें और उसको अवलोकन करें कि वह किस तरह से इन एक्टिविटीज़ को कर रहा है, उसकी खुद की जो कौशल हैं वो किस तरह से डेवलप हुए हैं, वह कम्युनिकेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, वह खुद अवलोकन कैसे कर रहा है, रिपोर्टिंग कैसे कर रहा है, चर्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है, चीज़ों को विश्लेषण कर रहा है कि नहीं, चित्र कैसे बनाता है, तालिका कैसे बनाता है, तालिका में एंट्री कैसे करता है। तो इन सभी बातों का आप अवलोकन कीजिए। और पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारे मौके आते हैं जबकि हमें निष्पादन परीक्षण करने होते हैं, क्योंकि जो बुक है वो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उनमें नंबर ऑफ टाइम्स आपको मौके दिए जाएंगे शिक्षकों को कि विद्यार्थियों का निष्पादन परीक्षण करें, क्योंकि हम सभी कुछ को वातावरण से जोड़ के उसमें समझा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं, उसको क्या किया है वातावरण से जोड़ा भी है और उनको काम करने के मौके दिए हैं, हाथ से काम करने के। तो साइकोमोटर डेवलपमेंट की भी बात कही है। तो इस तरह से आप विषय वस्तुओं को देखें और जहाँ जहाँ निष्पादन परीक्षणों की आवश्यकता है वहाँ करें, और विद्यार्थियों को ऐसा आकलन करने दें जिससे कि उनको अधिगम में मदद मिले और उनको आकलन से डर ना लगे, परीक्षा से वो भयभीत ना हो। और इस तरह के निष्पादन परीक्षण में हमें नहीं लगता कि कोई विद्यार्थी भयभीत होता है और वह बहुत कुछ सीख भी जाते हैं। तो दोस्तों, आज आपने इस चर्चा को सुना उसके लिए धन्यवाद। हम निश्चित ही किसी और कार्यक्रम में फिर से आपसे पर्यावरण अध्ययन के विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।